नमस्कार मंडली, एलर्को नमस्कार। आज हम लोग निकल रहे हैं शिरडी के लिए। रात का 9 बजे का बस है। प्रसाद वाले का प्रसाद बहुत मिस किया, उसका बात ही अलग रहता है। दाल, राइस, चपाती, मूंग का सब्जी रहता था और लास्ट में एक स्वीट देता था, एक नंबर रहता था। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। नमस्कार मंडली, एलर्को नमस्कार। आज हम लोग निकल रहे हैं शिरडी के लिए। रात का 9 बजे का बस है। एक्चुअली हम लोग ना थोड़े दिन के लिए डोंबिवली आए थे, तो फिर हम लोग ने सोचा कि लकीली कि 7 अक्टूबर को टेम्पल्स ओपन हो चुका था, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग जाके आते। हाँ। इसके पहले हम लोग पिछले साल गए थे, तभी भी जस्ट लॉकडाउन के बाद ओपन हुआ था, तो तभी जुपी लेके गए थे, उसका भी ब्लॉग बनाया, पर तभी एक कच्चा लिंबू थे हम लोग। हाँ, मतलब हम लोग को नहीं पता था, हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, जस्ट हम लोग का दूसरा या तीसरा वीडियो होगा वो। हाँ। तो वो एकदम ऐसे ही था, मतलब कैमरा के सामने भी आए नहीं होंगे हम लोग, सिर्फ विजुअल्स था, विजुअल्स था और कुछ नहीं था उसमें। तो इस बार पक्का एकदम बनाते हैं वीडियो, प्रॉपर व्लॉगिंग करने वाले हैं, जो भी वहाँ का डिटेल्स है वो सब बताएंगे हम लोग। तो अभी थोड़ा सा पैकिंग बचा हुआ है, वो सब करते हैं और फिर सीधा आपको शिरडी में मिलते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी आफ्टर पैकिंग। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज। अभी सुबह के 4 बज रहे, अभी जस्ट पहुंचे शिरडी और अभी चल के जा रहे हैं अपने साई आश्रम पे। हम लोग निकल रहे हैं दर्शन के लिए। हम लोग एक्चुअली सुबह 4 बजे पहुंचे हैं, थोड़ी देर सोया, हम लोग का 10 बजे का दर्शन का स्लॉट है, तो फिर 9:30 का रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है और उधर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो अभी दर्शन करके आ रहे हैं और फिर उसके बाद आपको रूम टूर और फिर यहाँ का साई आश्रम का टूर और फिर मंदिर के आसपास का जगह का टूर दिखाते हैं। और जो अन्न प्रसादालय है उसका वो पता नहीं, एक्चुअली हम लोग को बहुत मन है वहाँ पर जाके खाने का, बट एक्चुअली वो एज पर ऑनलाइन डिटेल्स इट्स क्लोज, बट लेट्स सी अगर चालू हुआ तो फिर वहाँ का शूट करने पड़ेगा, वरना फिर बाहर से दिखा देंगे। हाँ, चलो पहले दर्शन कर लेते। जैसे हम लोग ने बोला था वैसी, मतलब रूम का टूर हम लोग दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली साई आश्रम में हम लोग रुके हैं आज, साई आश्रम भक्ति निवास। मंदिर से कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर दूर रहेगा, संस्थान का ही है, तो इट्स ओनली 200 ना, 250 सॉरी 250 प्लस इंटरनेट चार्जेस। हाँ वही, तो 250 में अच्छा है, मतलब रीजनेबल है और रूम भी है ना संस्थान का काफ़ी क्लीन रहता है, पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। प्राइवेट होटल में थोड़ा पानी का मगजमारी रहता है, तो बुकिंग का भी थोड़ा उतना प्रॉपर नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा करके मतलब थोड़ा अफोर्डेबल है, चीप है, एंड इवन जो रूम है वो काफ़ी अच्छा है, आप पहले वो देखो रूम। एक्चुअली मैं कैमरा स्विच कर देता हूँ। ये एंट्रेंस, एंट्री करते ही सामने साईं बाबा का अच्छा फोटो है और 3 बेड 3 पिल्लो 3 ब्लैंकेट संस्थान का ही। और ये टॉयलेट, वॉश बेसिन, बाथरूम, गर्म पानी के लिए भी है। गर्म पानी का सिर्फ उन लोगों का टाइमिंग है, सुबह कुछ 4 से 8 वही टाइम पे आता है शायद। आप लोग अगर कभी आ रहे होगे ना शिरडी में, तो ऑनलाइन ही बुकिंग करना एकोमोडेशन और दर्शन का, तो वैसा यहाँ पे आके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ऑनलाइन के लिए उन लोग एक साइट है online.sai.org.in, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से ही पहले रजिस्टर करना पड़ता है फिर बुकिंग, तो वही बुकिंग करके आ जाना। और दर्शन और एकोमोडेशन दोनों आप लोग उसी साइट पे से कर सकते हो, तो जो मतलब आपको दर्शन का उन्होंने फ्री नहीं लिया था ना? नहीं नहीं, दर्शन फ्री दर्शन भी है और पेड दर्शन भी है। पेड में गर्दी थोड़ा सा कम रहता है, पेड का 200 है पर पर्सन, और रूम का जो है वो है 250 पर नाइट। पर नाइट का इन लोगों का हिसाब कैसे पता है, कभी भी आप चेक इन करो पर चेकआउट टाइम 11 का ही होता है। तो हम लोग सुबह 4 बजे चेक इन किया आज, तो हम लोग का आज के 11 बजे का चेकआउट था, तो फिर इसलिए हम लोग को फिर 2 दिन का बुकिंग करना पड़ा, मतलब आज सुबह 4 से कल 11 बजे तक, तो ऐसा 2 दिन का हो गया हम लोग का। तो आप लोग पहले अगर जब भी बुक कर रहे हो ना, तो पहले चेक करो कि आप लोग जब चेक इन का टाइमिंग डालते हो कि आपको चेकआउट का टाइम क्या दिखा रहा है, तभी उसके बाद बुक करना। अगर आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग टू स्टे, मतलब पूरा दिन रुकने वाले हो, तो अगले दिन का उसके हिसाब से वापस बुक करना। एंड आपको मेन है कि आपको दोनों का रिसीट लाना जरूरी है, और हार्ड कॉपी लाना है, प्रिंट आउट, तो वो तो आपको साइट पे मिल जाएगा। और दर्शन के लिए कैसा मोबाइल अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे तो प्रिंट आउट लेके ही जाना पड़ेगा। और एकोमोडेशन में कभी कभी PDF भी चल जाता है मोबाइल का, दिखा सकता है, पर मैं तो बोलूँगा प्रिंट आउट ही लेके आओ यहाँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना। हाँ, मतलब यहाँ पे उन लोग का कुछ प्रोसीजर्स है जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। एंड मेन बोलेगा तो मास्क और दूरी बनाए रखे जितना हो सके हम लोगों से हो सके, बिकॉज पब्लिक प्लेसेस इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है, वी हैव टू बी केयरफुल। और दर्शन में भी वो लोग ने काफ़ी अच्छे मैनेज किया था लाइन वगैरह, मतलब डिस्टेंसिंग था उसमें। और पहला कैसा, समाधि मंदिर का दर्शन लेने के बाद द्वारका माई के लिए अलग से लाइन लगाना पड़ता था, पर अभी वैसा नहीं, अभी कैसा एक ही लाइन में पहला द्वारका माई जाता है, फिर वहाँ से समाधि मंदिर का दर्शन, फिर गुरुस्थान, फिर दत्ता मंदिर, सब होके सीधा बाहर निकलते, तो एक ही बार में सब हो जाता है। एग्जैक्टली, एंड हम लोग को हार्डली 15-20 मिनट्स लगा दर्शन के लिए ना। हाँ, उतना ही ज़्यादा नहीं लगा। तो फिर जल्दी हो जाएगा, अगर आप अभी कभी भी बीच में आ रहे हो तो प्रॉपरली साइट पे चेक करो एंड देन बुक करो एंड प्रिंट आउट लेकर आना, एंड सेफ्टी मेजर्स प्लीज फॉलो करना। तो ये था रूम का, बाद में आपको नीचे जाके साई आश्रम का थोड़ा टूर दिखाते चलो। ये साई आश्रम का एक साइड है जहाँ पे ए से लेके जी तक ऐसा 7 विंग है, और यहाँ पे ऐसा बीच में बैठने के लिए मस्त जगह है, शाम को आके आराम से बैठ सकते हैं। ये लाइन में यहाँ पे ABC, फिर आगे DEF और यहाँ पे G। यहाँ पे साई आश्रम के अंदर है ना, एक्चुअली टी कैंटीन का यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है जहाँ पे 2 रुपीज़ में टी है, और 3 रुपीज़ में कॉफ़ी, और 10 रुपीज़ का ना 1 लीटर का पानी का वाटर मिल जाता है। ये साई आश्रम का रिसेप्शन एरिया जहाँ पे आपको आके आपका बुकिंग रिसिप्ट दिखाना पड़ता है, और यहीं से आपको चाबी वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पे पार्किंग, और एक साइड पे है ये 7 विंग, और फिर दूसरे साइड पे बाकी के 5 विंग है, तो टोटल 12 विंग है, और सब में 120 रूम्स है, तो ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर ही रूम्स है टोटल, तो आराम से मिल जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन दर्शन का पास निकालने के लिए बोल रहे हैं, और साथ में वो भी लिखा है कि प्रसादालय अभी फ़िलहाल बंद है, तो यहीं पे साई आश्रम में भी प्रसादालय है, ये जो ऊपर देख रहे हैं वहाँ पे प्रसादालय है, और एक मेन प्रसादालय जो मंदिर के पास है। गाइस, यहाँ पे मतलब आपको अगर मंदिर जाना हो या प्रसादालय जाना हो ना, तो यहाँ पे बस सर्विसेज भी है, फ्री बस सर्विसेज है, तो आप लोग यहाँ पे मतलब ये इसका वेटिंग एरिया है, मतलब उन लोगों का टाइमिंग है, थोड़ी थोड़ी देर में आता रहता है बस, तो मतलब रिक्शा करने, मतलब अगर बस अवेलेबल नहीं है तो आप रिक्शा कर सकते हो, बाहर ही अवेलेबल रहता है मतलब यहाँ पे एकोमोडेशन के बाहर, बट यहाँ पे फ्री सर्विस है बस का, तो यूटिलाइज दैट सर्विस, वो संस्थान की तरफ से ही है वो। हाँ, तो फ्री है तो यू कैन यूज़ इट। खाना हो गया हम लोग का, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया था, जैसे बोला ना कि बटर रोटी और दाल राइस लिया था, तो ज़्यादा नहीं हुआ हम लोग का, 3 बटर रोटी आलू मटर, हाँ 310 में हो गया हम लोग का खाना। हाँ, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, पर लेकिन प्रसाद वाले का प्रसाद बहुत मिस किया, उसका बात ही अलग रहता है,
दाल राइस चपाती मूंग का सब्जी रहता था और लास्ट में एक स्वीट देता था, एक नंबर रहता था वो। एक्चुअली सिंपल फूड होने के बावजूद ना वो प्रसाद रहता है ना भगवान का, साईं बाबा का एक प्रसाद सॉर्ट ऑफ, तो फिर वो उसका टेस्ट अपने आप ही इतना अच्छा होता है ना कि मतलब बाकी ऐसा मतलब लाविश फूड का ज़रूरत नहीं रहता। बट अभी बंद है तो फिर खाना ही पड़ता है बाहर, बाहर खाना ही पड़ता है। चलो अभी ज़रा रूम में जाके थोड़ा आराम करते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं। करके नीचे उतरे और अभी समाधि मंदिर के वहीं पे जा रहे हैं। और आप लोगों को मंदिर के अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर से तो कुछ दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पे साई आश्रम पे, तो वहाँ से आपको दिखा देते। मंदिर परिसर में जो चावड़ी है और द्वारका माई है, आप उन सब के भी दर्शन कर लो। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप लोग को दर्शन या एकोमोडेशन का बुकिंग का कुछ भी क्वेरी होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम लोग को जितना पता होगा उतना हम लोग बताने का ट्राई करेंगे। और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।